हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीपा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिया बटर की यूजेस के बारे में, कैसे कैसे आप शिया बटर को यूज़ कर सकते हैं, कौन से तरीके से। और ये जो विंटर सीजन है इसमें तो ये बिल्कुल मस्ट हैव प्रोडक्ट है, हर किसी के घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में स्पेशली इसके यूजेस जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। बट अदरवाइज भी ऑल ईयर अराउंड मेरे घर में तो ये होता ही है। और मेरे हिसाब से जो भी लोग स्किन केयर और हेयर केयर में इंटरेस्ट रखते हैं और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, उनके घर में तो ये साल भर होना ही चाहिए, क्योंकि कई तरीके से आप इसको बाकी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट विंटर में तो जो यूजेस हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। ये है वो शिया बटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी पुराना हो गया है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो इसके ऊपर की जो लेबल है वो मिट गई है, वो दिख नहीं रही है। बट जो भी मैंने अब तक यूज़ किए हैं और मुझे जो अच्छे लगे हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो उनको ऑनलाइन परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। शिया बटर के बारे में सबसे पहले एक बता दूं कि शिया बटर जो है वो 100% नेचुरल चीज़ है। इसी की तरह कोकम बटर और मैंगो बटर भी आता है, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हमेशा से शिया बटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ। जो कि लिटरली एक बटर की तरह लगता है, देख सकते हैं आप, बटर वाले बटर जैसे जमा हुआ होता है वैसे ही जमा हुआ होता है। विंटर्स में तो स्पेशली पूरी तरीके से जमा रहता है, बट जैसे जैसे अगर गर्म सीज़न आता है थोड़ा, तो थोड़ा सा वो मेल्ट डाउन हो जाता है। 100% नेचुरल होता है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मेक श्योर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें। रॉ अनरिफाइंड शिया बटर आपको चाहिए, साथ में इसमें विटामिन ई बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, जो कि मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपकी स्किन को नरिश करने में बहुत अच्छा काम करेगा। एंटी एजिंग इफेक्ट्स देगा, जब आपकी स्किन ड्राई होती है, न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होते हैं, मॉइस्चराइज नहीं रहती है, तो वो स्किन जल्दी एजिंग इफेक्ट्स जो है आपको जल्दी दिखते हैं, रिंकल्स लाइंस जल्दी आने लगते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो शिया बटर होता है, वो एंटी एजिंग में भी बेनिफिट्स अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। लिप बाम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लीजिए बस लिप्स पे, ऐसे आप फिंगर से लगा सकते हैं और लिप बाम की तरह काम करेगा ये। साल भर भी आप इसको लिप बाम की तरह यूज़ कर सकते हैं, लिप बाम के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है साल भर। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर विंटर्स में सिर्फ ड्राई होती है, तो आप इसको विंटर्स में मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको बॉडी लोशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए ये मॉइस्चराइजर की तरह काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा। बट जिनकी स्किन ड्राई है या फिर विंटर्स में जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई अगर आपकी पड़ती है, तो आप इसको मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बॉडी लोशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बॉडी बटर आप चाहें तो इसी से बना सकते हैं, एक चम्मच शिया बटर लीजिए, उसमें आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल डबल बॉयलर पर मिक्स कर लीजिए, और ये आपका बॉडी बटर काम करेगा, जो कि मार्केट में मिलने वाले किसी भी बॉडी बटर से बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, बट इक्वली इफेक्टिव होगा। अगर आप इसकी इसमें अच्छी सी स्मेल ऐड करना चाहते हैं और इसकी बेनिफिट्स को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें अपने फेवरेट एसेंशियल ऑयल्स की भी कुछ बूंदें डाल सकते हैं, तो इससे आप बॉडी बटर भी बना सकते हैं, बॉडी बटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप हैंड क्रीम और फुट क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है हैंड क्रीम और फुट क्रीम की तरह। इसके बाद इसको आप अपने आईब्रोज़ की टेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थोड़े बड़े हो जाते हैं और यहाँ वहाँ जाने लगते हैं उसके बाल, तो उस वक्त आप एक स्पूली की मदद से या फिर सिंपली हाथ पे ऐसे थोड़ा सा लेकर अब अपने आईब्रोज़ पे इस तरह लगा देंगे, तो आपके आईब्रोज़ जो हैं वो थोड़े से शेप्ड हो जाते हैं और थोड़े से उनकी टेमिंग हो जाती है, तो आप आईब्रो टेमिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोज़ मस्कारा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं बट थोड़ा सा वैसा इफ़ेक्ट आपको चाहिए, तो आप बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। ऐसे आपको ये लेना है और अपने ये जो आई लैशेज हैं इस पर आप इस तरीके से लगा लीजिए, ये जो है थोड़ा सा वैसा बिल्कुल मस्कारा वाला इफेक्ट तो नहीं देगा, उतना ज़्यादा आपके आई लैशेज को बड़ा नहीं करेगा, बट यस कुछ हद तक इफ़ेक्ट आपको दिखेगा जब आप इसको नहीं लगाएंगे उस वक्त, और इसको लगाकर देखिएगा डिफरेंस आपको दिखेगा अपनी आई लैशेज में। तो अगर आप अपने आई लैशेज को मस्कारा वाला इफेक्ट देना चाहते हैं थोड़ा सा डेली यूज़ के लिए, जो कि एक्चुअली मस्कारा नहीं हो बट थोड़ा सा वैसा इफेक्ट दे, तो आप इसको ही एज मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। कोई आप चाहें तो पुराना ब्रश यूज़ कर सकते हैं मस्कारा का, उसको अच्छे से वॉश करके रख लें और उससे भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपली हाथ से भी लगा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि मस्कारा की तरह ये आपके आई लैशेज की हेल्थ को बुरा नहीं करेगा,
जिसकी वजह से एक्चुअली आपकी आई लैशेज जो है वो झड़ने लगती हैं, बट जब आप ये लगाएंगे तो ये आपकी आई लैशेज को एक्चुअली में नरिश करेगा और उनको सच में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो उसको लॉन्ग और हेल्दी और थिक बनाने में हेल्प करेगा। इसी को आप अंडर आई क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सिंपली अपने रिंग फिंगर पे लेना है और सर्कुलर मोशन में आपको मसाज कर देना है और अंडर आई क्रीम के लिए भी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है शिया बटर, तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप थोड़ा शिमरी इफेक्ट चाहते हैं, मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ क्योंकि मेरा जो मेकअप का नॉलेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, बट अगर आप अपने आईलिड्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर हाईलाइटर की तरह अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो भी बहुत परफेक्ट काम करेगा। थोड़ा सा लेना है आपको और आपको मैं तो क्या करती हूँ, मैं जब भी इसको अपने लिप्स पे लगाती हूँ एज लिप बाम तो जो मेरी फिंगर्स में बच जाता है लास्ट में वो मैं अपनी आंखों पे इस तरीके से लगा लेती हूँ। तो ये जो हैक है इसको ट्राई करिएगा और ये भी डिफरेंस आपको फील होगा, बिना लगाए भी देखिएगा और लगाकर देखिएगा तो जो हाईलाइटिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे बिना किसी मेकअप प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हुए वो मिलता है, जो कि बहुत ही नेचुरल लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में बेबीज हैं तो बेबीज के लिए भी आप इसको फेस क्रीम की तरह, बॉडी लोशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, डायपर रैश क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर रैशेस आ जाते हैं डायपर के इस्तेमाल से, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। डायपर्स को कम से कम यूज़ करिए क्योंकि वो आपके बेबीज़ की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट जस्ट इन केस आप यूज़ करते हैं तो उनको रैशेस अगर आ जाते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक हैक ये है कि आप अगर डायपर पहनाते ही हैं तो आप क्या करिए, कोकोनट ऑयल या फिर ये शिया बटर उसको लेकर उनके उन सभी स्किन पे लगा दीजिए जहाँ पे भी डायपर जो है वो स्किन के कांटेक्ट में आने वाला है, उस पूरे एरिया पर आप शिया बटर को या फिर कोकोनट ऑयल को या फिर कोई भी दूसरा अच्छा कोल्ड प्रेस ऑयल को लगा लीजिए और फिर डायपर पहनाइए, तो उससे क्या होगा कि उनको रैशेस होंगे ही नहीं। अगर हो भी जाते हैं तब भी आप इसको डायपर रैश क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हेयर के लिए हेयर स्पा क्रीम कोई घर पे बना रहे हैं या फिर आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा रूखे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, उस केस में आप अपने हेयर मास्क में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डबल बॉयलर पे चाहें तो गरम करके हल्का सा उसको मेल्ट डाउन कर लें और फिर उसको अपने आप हेयर मास्क में यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो चाहे जितना भी ड्राई हों उनकी ड्राइनेस को ये ख़त्म करेगा, इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, आपके बालों को शाइन भी ऐड करेगा आपके बालों में और उनको सिल्की स्मूथ भी बनाएगा। तो आप इसको अपनी हेयर क्रीम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जो हेयर पैक्स होते हैं, हेयर मास्क होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, तो हेयर सॉफ्टनिंग में भी ये हेल्प करता है। सो ये थी आज की वीडियो मेरी शिया बटर के बारे में, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। मैं इसको पूरे साल लिप बाम की तरह यूज़ करती हूँ, यहाँ पे अप्लाई करती हूँ ये आईलिड्स पे, अंडर आई क्रीम की तरह भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा जब ड्राई हो रही होती है स्किन तो हैंड क्रीम, फुट क्रीम, मॉइस्चराइज़र की तरह भी ये यूज़ होता है। और यस, मस्कारा वाला जो हैक मैंने आपको बताया वो भी मैं कभी कभी कर लेती हूँ, आईब्रो वाला भी मैं करती हूँ। तो ये सारे तरीके थे मैं इसको यूज़ करने के, आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे कैसे कौन से यूज़ेस आपको इसके अच्छे लगे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे भी ऐसे और वीडियो देख सकें। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।